हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। रेड सॉस पास्ता इससे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी आप चैनल पे जरूर चेक करें। और व्हाइट सॉस पास्ता तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बच्चों के फेवरेट होते हैं, पर इसे बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू रेड सॉस पास्ता। क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो पास्ता की सॉस होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है, या तो फिर वो पास्ता में अच्छे से कोट नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बनाने में। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका बताऊंगी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का, जिसे आप कभी भी घर पर बना सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम पास्ता को बॉयल करेंगे। ये पेनी पास्ता है। इस रेसिपी के लिए आप कोई और पास्ता का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में कई तरह के पास्ता अवेलेबल हैं, तो जो आपके पास है आप वो पास्ता इसमें डालें। पानी को उबलने के लिए रखा है। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे जो हमारे पास्ता है वो फीके ना लगे। तो नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, करीब हाफ टी स्पून। ज़्यादा ऑयल डालने से पास्ता स्टिकी हो जाएगा और फिर वो सॉस में अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। पानी देखिए अच्छे से उबलने लग गया है, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम ये बॉईल करेंगे करीब 5 से 6 मिनट तक। तो अब इसमें हम पास्ता डाल देते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, पास्ता को 80% कुक करना है, और अगर ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो सॉस में एकदम मैश हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा कच्चा ही रखना है इसको। 80% बॉईल करें, 20% हम सॉस के साथ इसे पकाएंगे। तो करीब 6 मिनट बाद ये देखिए हमारा पास्ता जैसा हमें चाहिए वैसे उबल चुका है। अगर आप हाथ से इसको थोड़ा सा दबा के देखें तो ये पक चुका है, लेकिन ओवर बॉयल नहीं है, थोड़ा कच्चा है। ये देखिए इस तरीके से हमें बॉयल करना है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और ये पानी जो है उसको ड्रेन कर लेते हैं। तो पास्ता को हमने देखिए छान लिया है, इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये और कुक ना हो, यानी और ना पक जाए गर्म, इसकी जो गर्माहट है उसकी वजह से। तो इसलिए ठंडा पानी डाला है इसमें, और इसको हम अब साइड में रख देते हैं। इसके बाद एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी वेजिटेबल्स हम इसमें डालेंगे पास्ता में। तो वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, आप बिना वेजिटेबल्स के भी इसको बना सकते हैं। बटर मेल्ट होने पे हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसे हम सौते करेंगे। गार्लिक का फ्लेवर पास्ता में अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो गार्लिक हमने अच्छा से हल्का से सौते किया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, तो एक प्याज डाला है मैंने इसमें, और इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। तो प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का पिंकिश कलर इस पे आ जाए, दैट्स इट। तो इसमें आप और कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो पास्ता में डाली जाती है, जैसे स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर, कैरेट्स, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। तो प्याज को हमने हल्का फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं हल्का पिंकिश कलर इस पे आ चुका है। अब इसमें हम कुछ गाजर डाल देंगे, तो आप इसमें कैरेट्स भी डाल सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हेल्दी वेजिटेबल्स डालें। तो गाजर को थोड़ा सा हम पकाएंगे, थोड़े हार्ड होते हैं, हल्का सॉटे करना है इसको, बस थोड़ा सा ये कुक हो जाए इतना ही। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये ब्लैक ऑलिव्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वैसे पास्ता में ये अच्छा लगता है।
तो ये देखिए जो हमने वेजिटेबल्स डाली थी वो हल्का सौते हमने कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत हल्का सा, एक चुटकी भर, क्योंकि हमने पास्ता बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। और ये देखिए हमारी जो वेजीज हैं वो रेडी हो चुकी हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। और दूसरे पैन में मैंने ये बटर को मेल्ट किया है, ये करीब 4 चम्मच बटर है, इसको हम मेल्ट होने के लिए रखेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच मैदा। तो बटर और मैदे का जो क्वांटिटी है वो इक्वल रखना है। अगर 4 चम्मच बटर है तो 4 चम्मच मैदा डालना है। तो जितने आपको सॉस बनानी है पास्ता की क्वांटिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से आप ये मेजरमेंट रखें। अगर 2 चम्मच बटर है तो 2 चम्मच आपको मैदा डालना है, इक्वल होना चाहिए। इसको हम अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर मैदा को अच्छे से भूनेंगे ताकि जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए। बिल्कुल हाई या मीडियम फ्लेम पे आप ये ना करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करें। सो करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इसे भूनने में। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध हमें बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से सारा दूध नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे सॉस में। तो इसके लिए हम करीब 2 कप दूध का यूज़ करेंगे। तो अगर इसमें गांठें पड़ रही हैं, लम्स पड़ रही हैं, तो आप इसको मैश करते हुए मिक्स करें, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने 1 कप दूध डाला है, इसके बाद मैं इसमें 1 कप दूध और ऐड करूँगी। तो टोटल हमने 2 कप मिल्क का यूज़ किया है इसमें। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे हल्का नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो इसकी सॉस है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको जल्दी करना है, नहीं तो जो सॉस है वो थिक होती जाएगी। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा थाइम। तो ये ऑप्शनल है, आप ओरिगैनो या मिक्स्ड हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो सीजनिंग है हमने डाल दी है इसमें और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है हमें। इसके बाद जो हमने वेजिटेबल सौते करके रखा था वो ऐड कर देंगे। तो ये आपको जल्दी करना है वरना जो सॉस है वो थिक होती जाएगी। अब हम इसमें उबला हुआ यानी बॉईल करा हुआ पास्ता ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सॉस में। अगर आपको लगता है कि आपकी सॉस बहुत थिक हो गई है तो आप वेजिटेबल्स और पास्ता ऐड करने से पहले उसमें दूध ऐड कर दें। तो ये देखिए हमने पास्ता अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और जो सॉस हमने बनाई थी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। ये देखिए पास्ता के ऊपर अच्छे से कोट होती जा रही है जैसे जैसे हम मिक्स कर रहे हैं इसे। तो इसकी सॉस ना ही ज़्यादा आपको पतला करना है ना ही थिक करना है, जैसा आप कंसिस्टेंसी इस वीडियो में देख रहे हैं वैसा ही आपको रखना है। अब इस पर हम ऐड कर देंगे चीज़, क्योंकि हम चीज़ी और क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं और पास्ता में चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो जितना चीज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से चीज़ आप इसमें ग्रेट कर दें और फिर मिक्स कर दें। तो चीज़ डालने से जो ये हमारा पास्ता है ये और क्रीमी और चीज़ी हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर जो पास्ता है उसके ऊपर जो हमारी वाइट सॉस है वो अच्छे से कोट हो चुकी है और चीज़ भी देखिए इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। तो ये बिल्कुल रेडी है और चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा
वाइट सॉस पास्ता, इतना अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट है और बिल्कुल अच्छे से इस पर सॉस कोट हो चुकी है, ना ही पास्ता हमारा मैश हुआ है और ना ही हमारा पास्ता बिल्कुल कच्चा है, एकदम अच्छे तरीके से हमने बॉईल किया है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं लंच बॉक्स में, तो पास्ता तो बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो ये उनको ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू।